हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिस्ट एंड यू ब्लॉग। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ खेती करने के लिए। और ये हमारा ट्रैक्टर है और ये हमारी मशीन, जो कि हम गायों का देसी खाद लोड कर रहे हैं और खेतों में डालने के लिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये किसान है, इनके खेत में खाद डाला जा रहा है गायों का। मशीन लगने के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो इसको काटा जा रहा है। ये फ्रेंड्स ट्रैक्टर लोड कर रहे हैं खाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ट्रैक्टर लोड हो रहा है खाद से और ये पूरा कंप्लीट देसी खाद है, गायों और भैंसों से लिया हुआ, जिसको हम गोबर बोलते हैं। और इसको सड़ा गला के खाद बना दिया जाता है। आप इसको ऑर्गेनिक खाद बोल सकते हो। उस ऑर्गेनिक में एक ही केंचुए छोड़े जाते हैं, इसमें केंचुए छोड़े नहीं जाते। इसको सड़ने के लिए साल, दो साल, तीन साल डाल दिया जाता है एक ही जगह, फिर ऊपर से लोड किया जाता है। तो ये अच्छी फसल के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर फ्रेंड्स आप में से उदयपुर के किसी भी एरिया में अगर खाद की ज़रूरत हो तो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गार्डन में डालना हो, कहीं खेतों में डालना हो, और हमने यहाँ पर दो ट्रैक्टर लगाए हैं और एक ट्रैक्टर रास्ता भटकने के कारण अभी तक पहुँचा नहीं है और समथिंग एक ट्रैक्टर लोड होने को आया है। फ्रेंड्स, एक ट्रैक्टर और आ चुका है और दोनों ट्रैक्टर में लोड किए जाएंगे। अब तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट ट्रैक्टर लोड, निकलने की तैयारी। फ्रेंड्स, ये लग चुका है दूसरा ट्रैक्टर। फ्रेंड्स, एक बेच चुके हैं, दूसरा ये लोड हो रहा है। और आपको ज़रूरत हो खाद के लिए तो बताया, आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेरा। तरीके से लोड हो रहा है, देखिए। अंदर की तरफ से लोड किया जा रहा है।
इसको हम बोलते हैं देसी खाद, ऑर्गेनिक खाद नहीं है ये, देसी खाद है। ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आपको बताया कि इसमें केचुए छोड़े जाते हैं, यही गायों और भैंसों के खाद में केचुए छोड़ के ऑर्गेनिक खाद बनाया जाता है। और इसी को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और 2 से 3 साल निकल जाए तो वो ऑर्गेनिक से भी अच्छा खाद बन जाता है, पर खेती ज़्यादा होने के कारण लोग ऑर्गेनिक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि ये खाद अपने को 1 से 1.5 महीने में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, लगभग हमारा ये सेकंड ट्रैक्टर भी लोड हो चुका है और ट्रैक्टर में कमी आ रही है, इस कारण एक ट्रैक्टर और मंगवाया है हमने। और जो ट्रैक्टर मंगवाया गया है स्वयं लेने गए हुए हैं मेरे छोटे भाई मनीष गंगी। ये किस तरह से दबा दबा के व्यवस्थित लोड किए जा रहे हैं ट्रिप। अगर आपको कभी भी कहीं भी ज़रूरत हो इस खाद की तो ये एक ट्रॉली लोडिंग और खाद और भाड़ा सब मिला के कम से कम 6,500 से 7,000 रुपये का माल पड़ता है। बहुत ही अच्छा है ये, गार्डन में डालने के लिए, नर्सरी में डालने के लिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं